मॉर्निंग्स एवरीवन। अगर आप आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने के लिए तत्पर थे, जिज्ञासा थी आपकी कि आपको आरबीआई में काम करना है, तो अपॉर्चुनिटी आ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने का मौका मिल रहा है। इंटर्न्स निकाली गई हैं। इंटर्नशिप के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि आरबीआई जो है इंटर्न्स हायर कर रही है, तो इंटर्न्स की ज़रूरत है। तो अगर आप आरबीआई में जाना चाहते हो, क्योंकि देखिए आरबीआई की सिलेक्शन इजी नहीं होती, और अगर आपको आरबीआई से इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो जाती है, हर कंपनी के दरवाजे खुल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के भी खुल जाते हैं, क्योंकि जिसने आरबीआई से इंटर्नशिप की होगी तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। तो डिटेल में जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में कि कैसे आपने अप्लाई करना है, और इसमें स्टाइफंड भी पे किया जाएगा। मैं पहले ही आपको बता दूं, स्टाइफंड भी पे किया जाएगा। 45,000 पर मंथ आपको स्टाइफंड दिया जाएगा, मतलब कि सैलरी ले लीजिए। जिनको स्टाइफंड नहीं पता है, इंटर्न्स के लिए जो है पेमेंट जब कंपनी करती है उसको स्टाइफंड कहा जाता है। तो आपको स्टाइफंड या आप सैलरी कह दीजिए 45,000 पर मंथ दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये 6 मंथ्स का जो है इंटर्नशिप होगी। 6 मंथ्स अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है मोर 6 मंथ्स। और उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जान पहचान हो जाती है, तो आपकी आरबीआई में डायरेक्ट भी जॉब लग सकती है। तो डिटेल में जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप निकला है, और अगर आप क्वालिफाइड हाईली क्वालिफाइड हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो डिटेल में जानते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में, आरबीआई में जो निकली है और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। स्क्रीन से जाने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो रोल्स आते हैं वो आपने उसी टाइम अप्लाई करना होता है, क्योंकि जो कंपनी शॉर्टलिस्ट करके हायर करके उसको फॉर्म को क्लोज कर देती है। कई बार मुझे मेल्स आती हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर हमने अप्लाई कर रहे हैं, लिंक बंद हो गया है। लिंक बंद क्यों नहीं होगा? जॉब निकाली गई थी 1 महीने पहले और आप जो है 1 महीने के बाद अप्लाई कर रहे हैं। कई जॉब्स ओपन रहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं सारी जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जॉब्स ओपन रहती है, बट कई जॉब्स जो हैं कंपनी एकदम शॉर्टलिस्ट करती है और हायरिंग करके क्लोज कर देती है। और कई लिंक्स चलते रहते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस हायर करती रहती हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल हायरिंग चाहिए होती है, मल्टीपल कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, बट कई कंपनी जो एकदम बंद कर देती है। तो इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटन जरूर दबाइए कि जैसे ही जॉब आपको पता चलती है और डिटेल्स आप सुन लेते हैं, उसके बाद अप्लाई एकदम कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहता हूं। और शेयर जो करिए, किसी की हेल्प कर रहे हो आप। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में। स्क्रीन पे ही चलते हैं, मैं आपको वन बाय वन सारा आपको समझाऊंगा। तो कैसे अप्लाई करना है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं हम, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो फुली ट्रस्टवर्थी है, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट में ही जाके आपने सारा चेक करना है और अप्लाई करना है। अब इसमें देखिए रोल डिस्क्रिप्शन बताया गया है। द अपॉर्चुनिटी विल बी ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरन स्टूडेंट्स। डोमेस्टिक के लिए भी है, फॉरन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। Strong motivation is critical. Our work environment will give candidates more opportunities to learn and participate in research. ये research से basically जो है internship निकाली गई है, research internship at the Reserve Bank of India. तो candidate must be keenly interested in the core areas of research. जो भी research में interested है तो वो apply कर सकते हैं। इसमें 4 departments में internship निकली है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब इसमें देखिए इंटर्न का क्या काम होगा, विल असिस्ट एंड कोलैबोरेट विद आरबीआई रिसर्चर्स। के साथ आपने जो है कोलैबोरेट करना है ऑन प्रोजेक्ट्स, टू प्रोवाइड पॉलिसी इनपुट्स देने हैं, पेपर्स टारगेटेड फॉर पब्लिकेशन एट क्वालिटी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जर्नल्स। जो भी फाइनेंस जर्नल या इकोनॉमिक्स में जो पब्लिकेशन होती है उससे रिलेटेड आपने जो है अपने इनपुट्स देने हैं। तो जो भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में है तो उनके लिए तो ये इंटर्नशिप बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, बहुत ही लाभदायक होगी। विल असिस्ट इन कंपाइलिंग एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा एंड असिस्ट विद द रिलेवेंट एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक टूल्स नेसेसरी टू एग्जीक्यूट रिसर्च प्रोजेक्ट्स। माई ट्रांजिशन टू राइटिंग रिसर्च एंड पॉलिसी आर्टिकल्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो ये सारा इंटर्नशिप का ये काम होगा इंटर्न का। अब देखिए प्लेसमेंट कहाँ पर होगी, 4 departments RBI में कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक,
पॉलिसी रिसर्च का डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रैटेजिक रिसर्च यूनिट हो गया और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। तो ये जो है सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिसमें मतलब कि आपका इंटर्नशिप दी जाएगी। एलिजिबिलिटी देखिए अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के लिए मांगी गई है। जो DSIM मतलब कि DSIM मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट होगा उसमें एलिजिबिलिटी है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है स्टैटिस्टिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, इकोनॉमिक्स और BE BTech कंप्यूटर, MBA फाइनेंस और DEPR के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग, फाइनेंस और MBA आपने किया हो। और SRU जो है स्ट्रैटेजिक रिसर्च यूनिट डिपार्टमेंट, BTech, BE पोस्ट ग्रेजुएट विद क्वांटिटेटिव ओरिएंटेड डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स। तो जिनके पास भी BTech है, BE है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, MBA, फाइनेंस है, जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है ना, सबके लिए यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है RBI में। ID जो है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में आपका जो है इसमें डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, MBA इन फाइनेंस, तो इसमें और बैंकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये चार डिपार्टमेंट्स हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फैमिलैरिटी विद सम इकोनोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर अगर नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक्सपीरियंस इसमें नॉट ए प्रीरिक्विजिट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन देखिए क्या होगा, देखिए इसमें जो है ना जुलाई के लिए बैच बनता है, एक तो 1 जनवरी के लिए बैच बनता है और एक 1 जुलाई के लिए बैचेस बनते हैं। तो 1 जनवरी की जो हायरिंग अब 2025 के लिए हायरिंग अब चल रही है, तो आप जनवरी के लिए जो है आप अप्लाई अब कर सकते हैं। जुलाई के लिए जो है जनवरी में पहले ही हो चुका है, अभी आप जो अप्लाई करेंगे वो जनवरी 2025 के लिए होगा। तो इसमें देखिए नवंबर तक इसमें जो है सारे रिज्यूम्स इनके पास जाएंगे, अप्लाई का जो भी एप्लीकेशन जाएगा, और दिसंबर में जो है फाइनल इंटरव्यू होगा। तो ये 20 इंटर्न्स हायर करते हैं हर साल, तो क्योंकि RBI में काम करना बहुत बड़ी बात है, और तो RBI में अगर आपको इंटर्नशिप आपकी हो जाती है तो बहुत सारे आपके लिए पाथ खुल जाएंगे ग्रोथ के, और सक्सेस बहुत जल्दी होगी और लर्निंग बहुत होगी आपकी RBI में। तो जो फर्स्ट बैचेस हैं जनवरी और सेकंड बैच है जुलाई का, तो जुलाई का तो अभी चल रहा है, तो जुलाई के लिए हो चुका है, तो अभी आप जनवरी के लिए आप अभी अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आपने जो है इसमें अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट जो है देखिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो भी CV आपने CV भेजना है, एक तो अपना रिज्यूम भेजना है, रेफरेंसेस आपने भेजने हैं, जो भी आपके रेफरेंसेस हैं, जो भी जो टीचर्स के हो गए या जहाँ पे आपके किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उनके रेफरेंसेस आपने भेजने हैं, और स्टेटमेंट भी भेजनी है कि पर्पस आप क्यों मतलब कि आप आना चाहते हैं, क्यों इस रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। ये सारा आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करना है ईमेल आईडी पे, मतलब कि ऑनलाइन ही आपने भेजना है। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंसेस जो होंगे ना, फैकल्टी मेंबर्स हो गए, रिप्यूटेड कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप कर रहे हैं तो उनके फैकल्टी मेंबर्स के आपने रेफरेंसेस भेजने हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी एप्लीकेशन आपकी। एप्लीकेशन ये जो देखिए डाउनलोड करना है, यहाँ पे ये डाउनलोड फॉर्म करना है एप्लीकेशन का, और उसके साथ जो आपने CV अटैच करना है, रेफरेंसेस अटैच करने हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने ऐड करना है, तभी ये जो है एलिजिबल होगा। अब ड्यूरेशन देखिए 6 मंथ्स का होगा, यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं फॉर्म, मैं एक बार ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए क्लिक किया तो ये अभी फॉर्म खुल रहा है। तो ये फॉर्म में देखिए आपने अपना सारा फुल नेम आपने बताना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, जेंडर बताना है, नेशनैलिटी बतानी है, पोस्टल एड्रेस आपने बताना है, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, कोर्स आपने बताना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स बताना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बतानी है, सॉफ्टवेयर के स्किल्स आपके पास हैं वो बताना है, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारा आपने भर के सेव कर देना है। ये सारा आपने फिर ये फॉर्म भर के फिर आपने उसके साथ अपने CV अटैच करना है, रेफरेंसेस अटैच करने हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने जो है अटैच करके आपने ईमेल कर देना है। तो ईमेल कहाँ पे करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये इंटर्नशिप जो है 6 मंथ्स की होगी, और 6 मंथ और एक्सटेंड हो सकती है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अगर आप बीच में इंटर्नशिप छोड़ना चाहते हो तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा,
और ये जो इंटर्नशिप है ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी, मतलब आपको ऑफिस में जाके काम करना है, क्योंकि आरबीआई बैंक में आप काम कर रहे हैं। तो ये लोकेशन आपकी मुंबई इंडिया की होगी। और यहाँ पे देखिए फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेंगे, देखिए ऑफिस स्पेस होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जो इंटर्न्स को दी जाती हैं। 45,000 पर मंथ आपकी जो है इसमें स्टाइपेंड पे किया जाएगा, और इंटर्न्स को जो है 12 डेज़ की आपको प्रॉपर लीव मिलेगी 6 मंथ्स के अंदर, 12 दिन की लीव भी आपको होगी। और इंटर्नशिप विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स, अकोमोडेशन का आपने अरेंजमेंट खुद करना होगा। और इसमें देखिए इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश टू आरबीआई डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप, तो वो आपको सारा बता दिया जाएगा। और इसमें देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, 20 इंटर्न्स सिलेक्शन होती है, 4 डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन होगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सारा जो है ईमेल करेंगे, और ईमेल्स मैं आपको जो है सारा डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो ईमेल्स में आप जाके अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ईमेल, इवन आप जी के फॉर्म देख रहे हो ना, इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्म पे ही दिया हुआ है ईमेल आईडी। तो ये देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का है ना, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ईमेल आईडी आ जाएगी। ये दूसरे डिपार्टमेंट का है, ये तीसरे डिपार्टमेंट का है, ये चौथे डिपार्टमेंट का है। ये अब जैसे मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, ओपन लिंक इन, तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये ईमेल आईडी है जहाँ पे आपने ईमेल करनी है। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसीजर अप्लाई करने का। तो आपने अगर आरबीआई में अगर आप काम करना चाहते हैं या आपका ड्रीम था आरबीआई में काम करने का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, बीटेक है, एमबीए है, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये आरबीआई में इंटर्नशिप करने का बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ आपने फॉर्म भरना है, साथ में जो है आपने 4 जो है और चीज़ें इसमें जरूर भरनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CV आपका होना चाहिए अपडेटेड, रेफरेंसेस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सब जो है आपने ईमेल करनी है विद फॉर्म जो आपने यहाँ पे डाउनलोड करके भरना है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब डिटेल्स और आती रहेंगी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई करें। लाइक जरूर करिए क्योंकि मोटिवेट करता है मुझे, नई नई जॉब्स लेकर आता हूं मैं आपके लिए। और शेयर जरूर करिए क्योंकि आप कईयों की मदद कर रहे हैं, ये भी एक सोशल सर्विस है। तो मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, एक और नई कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए।